आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। साकिब निसार इंटरव्यूज दे रहे हैं और बहुत ही हैरत अंगेज उसमें इंकशाफ कर रहे हैं। साकिब निसार साहब हमारे पिछले एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले भी दिए हैं जो उनका टेन्योर था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले भी किए हैं जिनको अगर हम साकिब निसार ने ऐसे ऐसे फैसले भी दिए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ऐसा भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की वो हालत नहीं है जो हो सकती थी उन फैसलों। और अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने लॉ भी इस वजह से परस्यू किया था क्योंकि मैं उस टाइम पे साकिब निसार से बहुत इंस्पायर हुई थी जो उन्होंने फैसले दिए थे, जिस तरह के उनके वर्डिक्ट थे और जिस तरह से वह सुमोटो लेते थे। अब साकिब निसार साहब ने बात की है इमरान खान पे भी, नवाज शरीफ पे भी और उसके बाद बाकी सियासतदानों पे भी और अपने माजी के फैसलों पे भी बात की है उन्होंने। अब वीडियो में आगे बढ़ते ही आपको ये भी पता चलेगा कि वो ये अचानक से इंटरव्यू देना क्यों शुरू हो गए। पहले भी उनकी ऑडियोज लीक हुई थी, पहले भी बहुत से इस तरह के मामलात हुए थे, लेकिन साकिब निसार साहब ने आके इस तरह से पहले बिल्कुल भी इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे, अपनी बात नहीं रखी थी उन्होंने। अब खबर की जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से है कि साकिब निसार साहब ने मज़ीद इंकशाफ ये भी किया है कि नवाज शरीफ किस तरह से अपने ज़माने में, जब नवाज शरीफ का दौर हुकूमत था, तो वो किस तरह से कहते थे कि भाई चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब अपना ही चीफ है और बड़ी रिलैक्स होकर वो अपने फ़ैसले करा लेते थे और उन पर इल्ज़ाम भी थे कि वो बहुत से ऐसे ऐसे फ़ैसले अपने हक़ में करवाते थे। ये इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन सब पे है। तो साकिब निसार ने जो पिछले दिनों से निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देना शुरू किए हैं उनमें उन्होंने बहुत इंकशाफ, हैरत अंगेज़ इंकशाफ की। खबर की तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंकशाफ किया है कि जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तब नवाज शरीफ कहा करते थे ये अपना चीफ है। जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो एक वक्त में अदालतों का पसंदीदा रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों से मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा अदलिया पे हमला करना शुरू कर दिया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, ये पहले भी होता रहा है। तो वो यहाँ पे जो साकिब निसार साहब बात करें वो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की बात करें कि जिनको जेर ज़बर भी कानून की पता नहीं है वो भी अदलिया पे हमला आवर हो रहे हैं। एक मुकदमे के अलावा उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। ये जो एक मुकदमे की वो बात कर रहे हैं, ये साकिब निसार साहब वो उस मुकदमे की बात कर रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, बाकी जितने भी मुकदमे थे वो उसमें बरी हो जाते थे। और पार्लियामेंट में भी आके इन्होंने जिस तरह से अपना एक आके अपने सारे एसेट्स की सारी डिटेल्स जिस तरह से दी थी, इनको ये लगा था कि शायद हम इस मुकदमे से भी बरी हो जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया था जब अदालत ने अपना वर्डिक्ट इस सारे फैसले पर दिया था और जब जजमेंट और सब फैसला आया था, सारा फैसला इस पर आया था। तो ये एक केस था जो उनके हक़ में नहीं हुआ था, बाकी जितने भी केस थे वो इन्हीं के हक़ में ही हुए थे। लेकिन आजकल ये अदलिया पे बहुत ज़्यादा हमला आवर हो रहे हैं, अदलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मज़ीद बताते हैं कि भाई जब नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू कर दिया था कि ये अपना चीफ है और ख्वाजा आसिफ ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, वो कहते हैं जब पनावा केस आया था तब मैंने बेंच से ही खुद को अलग कर लिया था, मैंने न्यायालय केस में मियाद से मुतल्लिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी अगर मुआवनत करना चाहे करे, जहांगीर तरीन अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने, जबकि नवाज शरीफ ने नोटिस वसूल किया लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। नाअहली की मियाद का तकर्र आईन और कानून की रोशनी में किया। अब मज़ीद गुफ्तगू के दौरान जब सहाफ़ियों ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से सवाल पूछा कि ये बताएं कि पनामा की लीक्स केस में आप पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करवाने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने दबाव डाला, उन्होंने आगे जवाब देते हुए कहा कि वो कौन है जो मुझ पे दबाव डालता। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अभी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से उस दावे के बारे में बात करूंगा, ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूँ। मैं क्यों उनके लिए लॉबिंग करूँगा, मुझे अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल की फ़िक्र है, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। अब साकिब निसार साहब आते हैं मेन बात पर कि वो ये सारे इंटरव्यूज़, ये सारी सहाफ़ियों से बातें और ये सब क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह बनी कि वो उनको अचानक से इंटरव्यूज़ देने पड़ गए और अचानक से अपनी बात रखने का उनको और ये सारी वो बातें कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो वजह थी वो अब बताते हैं, बताते तो नहीं है, उनकी बातों में ये वजह मिलती है कि आखिर इस सारी चीज़ों के पीछे मोटिव क्या था। अब साबिक
चीफ साकिब निसार साहब ने बताया कि उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, जिसका मवाद इस्तेमाल करके जाली वीडियोस बनाने का खदशा है। अब ये देखें कि पहले भी साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ लीक हुई थी, पहले वाली जो थी वो तो एडिटेड थी, उसको एडिट करके बनाया गया था और एडिट करके फिर लीक किया गया था। वो जब उसका फ्रॉन्सिक हुआ था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने जब फोरेंसिक करवाया तो तब जाके पता चला कि वो सारी की सारी ऑडियोज़ जो थी वो एडिटेड थी। अब ये जो मवाद उनका चोरी हो चुका है, हैक हो चुका है, उन्होंने एजेंसीज़ में इसके लिए एप्लीकेशन भी दे दी, व्हाट्सएप को भी आगाह कर दिया कि इस तरह से उनका व्हाट्सएप का डाटा लीक हो चुका है और हैक हो चुका है, लीक नहीं हैक हो चुका है उनका डाटा। और उन्होंने मज़ीद बताया कि उसमें अब साकिब निसार साहब ने मज़ीद बताया कि जो मेरा डाटा लीक हुआ है उसमें निजी गुफ्तगू भी हैं, प्राइवेट उनकी और बाकी मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू हैं। तो अभी से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, शायद उनको ये लगता है कि किसी ऐसी ठोस चीज़ हाथ लग चुकी है जो लीक हो सकती है। पहले से ही वो इन सारी चीज़ों के बारे में बताने लग गई हैं और इंटरव्यूज़ देने लग गई हैं। पहले भी जो ऑडियो लीक हुई थी उस ऑडियो लीक के बाद उन्होंने कोई अपना मौकफ नहीं दिया था, लेकिन शायद इस चीज़ में कोई ऐसी ठोस वजह है जिस वजह से वो अपनी आके इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, साफियों से बात भी कर रहे हैं और पूरी एक अब चीफ जस्टिस साहब आगे बताते हैं कि इमरान खान के बाद गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब दुआ सलाम भिजवाते हैं लेकिन मेरा इमरान खान के साथ कोई ख़ास रबता नहीं है। और उन्होंने मज़ीद आगे इंकशाफ भी किया कि इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया कुछ दिन पहले और कहा कि आप मेरी जो अदालतों में मेरे मामलात चल रहे हैं उनमें मेरी कोई ना कोई मामला। तो साबिक चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसमें आपकी कोई भी मामलत नहीं कर सकता, आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं तो आपको अदलिया का और जो हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आपको इदारों का एहतराम करना चाहिए आपको और पेश होना चाहिए अदालतों के सामने जो आपके केसेस चल रहे हैं, ट्रायल में चल रहे हैं आपके केसेस। और वो मज़ीद बताते हैं कि जो माजी में उन्होंने अपने दौर में फैसले किए थे तो वो कहते हैं कि उस वक्त मेरे सामने ज़ेरे समाज जो मुकदमा था इमरान खान की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने उन्हें उस केस में सादिक और अमीन करार दिया था, इमरान खान के बाकी मामलात का मुझे कुछ पता नहीं। तो वो कहते हैं मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन है। मज़ीद वो कहते हैं कि हो सकता है माजी में मुझसे कुछ गलत फ़ैसले भी हुए हों और मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं। अपने फैसले पर की जाने वाली तनकीद के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कुछ गलत फ़ैसले हुए होंगे, वो फैसले जिन पर मुझे नदामत है या जो मुझसे गलत हुए वो मामला जब अदालत में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन एक अदालत अल्लाह की भी। अब मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी की जानब से पीटीआई रहनुमाओं की नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग केस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान के खिलाफ उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था, जबकि उसी जहांगीर तरीन की जो थी वो केस चलता रहा था और बाद में उनको नाअहल भी कर दिया गया था सियासत से, जिस तरह से नवाज शरीफ को किया था। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फैसले में कहा था कि इमरान खान पर 2013 के कागजात नामजदगी में नियाजी सर्विसेज लिमिटेड को जाहिर ना करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो उसके स्टेट होल्डर नहीं थे और इन्होंने तमाम दस्तावेजात पेश की। अदालत ने फैसले में कहा कि बनीगाला के असासे इमरान खान ने अपने खानदान के लिए खरीदे थे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा, जो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साकिब निसार साहब ने कहा कि मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक शामिल होंगे, मैं सेक्रेटरी लॉ वकील जज रहा हूँ, 1997 से लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक की सारी कहानी लिखूँगा, जब सेक्रेटरी लॉ था तो हुक्मरानों के फैसले करते देख कर अपनी आने वाली नस्ल के लिए परेशान होता था। बहुत ही हैरत अंगेज़ इनकशाफ किए हैं साकिब निसार साहब ने। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।